तोड़फोड़ हो रहा है, देश विरोधी काम यहाँ से हो रहा है, रोहिंगा आ रहा है, पूरा देश में फैला जा रहा है। इंदौर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया बंगाल से बांग्लादेशियों लोग, दिल्ली जहांगीरपुरी रावटुआ अंदर है पश्चिम बंगाल का लोग, जहां भी हो रहा है पूरा देश में इसका पाइपलाइन हो गया। पश्चिम बंगाल पाइपलाइन है वहां। ममता बनर्जी वोट के लिए ये अपीजमेंट कर रहा है और जितना भी देश विरोधी ताकत है, और बांग्लादेशी साहब बांग्लादेशी खराब नहीं है, वहाँ भी राष्ट्रवादी लोग रहता है, भारत प्रेमी लोग रहता है, लेकिन वहाँ कुछ जामात हेफाजत जेएमबी का कुछ आदमी है जो बांग्लादेश में भी तोड़फोड़ कर रहा है, यहाँ भी तोड़फोड़ करने चाहता है, और ममता बनर्जी उनकी पैसेज दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 14-15 फिनेंशियल ईयर में कितना डेट था, आज कितना डेट हुआ, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नौबानों से किया, ये डिसिप्लिन एक्टिविटीज के अंदर आता है। ममता जी झूठा आरोप वहाँ का बंगाल का ख़त्म कर दिया है। 6 लाख करोड़ के आसपास डेट है, यहाँ रेवेन्यू अर्निंग नहीं है, बंगाल में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, इस बंगाल को पूरा ख़त्म कर दिया है। पिछले 12 साल में एक भी नया हवाई अड्डा, एक भी नया सी पोर्ट, एक भी नया रेलवे फ्रेट कॉरिडोर कुछ नहीं हुआ है, नया इंडस्ट्री नहीं आया है, और ख़त्म करके अगले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो बात आ रही है सब राजनीति से प्रेरित है, ये जनता को मालूम है। ये मोदी जी का जितना भी कल्याणकर कर्मसूची है जनहित के लिए, सबको टीका लगा दिया नाम के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना ये यहाँ अपने बैग के ऊपर लगा दिया खाद्य साथ। इस तरीके से झूठा बात बोलना और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का चोरी करना ईएमसी का आदत है, उनकी मुखिया के भी यही आदत है। पश्चिम बंगाल में सीएम का एक बार फिर से एलिगेशन है कि कुछ भी राज्य में होता है तो ये बीजेपी पोलराइज करती है, और बीजेपी पोलराइज हम लोग नहीं किया, पोलराइज ईएमसी लोग ही कर रहा है। आप बॉबी हकीम का एक वीडियो देखिए, बॉबी हकीम का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए दादा कौन पोलराइज कर रहा है, आप भाषण सुन लीजिए। अरे दाना में के दाना पे ना ना ठीक है ना, आप ये चिपको ना ना ओके ना ना हल्का अच्छी था। अरे हल्का भारी ज्यादा ना ना मैं देख रहा हूं, देखिए ये लोग इमाम मुअज्जम साहब को लेकर बात नहीं है, ये लोग कैसे कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है, आप देख लीजिए। दादा इधर कैमरा टू खोला, कौन कर रहा है पुष्टिकरण अपीजमेंट, कौन कर रहा है के कौन कौन है देख लीजिए ना दादा, दादा इधर का कैमरा। बीजेपी विकास का बात करता है, और ममता बनर्जी और आपने जो चला है ये लोग करता है अपीजमेंट पुष्टिकरण करा। शुभेंदुदा एक सवाल है, शुभेंदुदा एक सवाल है, पश्चिम बंगाल में लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रहा है, अलकायदा एशिया सब कॉन्टिनेंट का लिंक मैन जो है पकड़ा जाता है, और उसका एड्रेस भी होता है पश्चिम बंगाल का लेकिन मिलता है बांग्लादेश से, क्या कहेंगे? हेलियो चीफ मिनिस्टर आर्मी के खिलाफ बोलती है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ बोलती है, उसका MLA समीर जाना CRPF का रेजिंग डे में असेंबली के अंदर ऑन रिकॉर्ड एक्सपांड नहीं हुआ, जो CRPF का आदमी को गुंडा लुटेरा मत का सौदागर ये लोग BSF के खिलाफ यहाँ रेजुलेशन लाया। CBI इन्वेस्टिगेशन में पता चला है SDO BDO सारे ये लोग पता तो चल रहा है भाई, CBI वालों को बोलो एक्शन लेने के। दादा आप एक सवाल, दादा ये देश विरोधी ताकत को एक्शन लेने होता है, लेकिन फाइनेंस ये सेंट्रल कैडर का जो IAS रूल्स है
वायलेशन किया है वो डेपुटेशन में बंगाल में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैडर है, वो बोल रहा है 14-15 में कितना डेट था अभी कितना डेट हुआ। ये तो राजनीति प्रेरित भाषण है। अब क्या मांग क्या करेंगे उसमें? वो बंगाल सरकार को प्रोटेक्ट करे, उसका चीफ सेक्रेटरी का जिम्मेदारी है। बंगाल की जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हालत है वो अच्छा करके भले, जहाँ हमारी GDP हाइस्ट है, ये हो है वो है, हमारी रेवेन्यू अर्निंग ज़्यादा है, लेकिन उनको कोई पावर नहीं है जो वो सेंट्रल कैडर की ऑफिसर के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को कंडेम करे इन फ्रंट ऑफ प्रेस मीडिया पब्लिक डोमेन में। ये उसका इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज है, वो जो IAS रूल्स है, सेंट्रल कैडर रूल्स है, सीरियस वायलेशन। रिटायरमेंट को लेकर जो रिटायरमेंट राशि बोल रहे हैं आपने कहा मैं तो एक बार